आईपीओ के बारे में सबकी ओपिनियन अलग होती है बट वी आर वर्किंग इन आईपीओ मार्केट फ्रॉम एटीज अगर आप आईपीओ में लिस्टिंग इन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया करते हुए सिर्फ लिस्टिंग इन और हल्का फुल्का भी दिमाग लगा के भी करते हो बल्कि मैं तो कहता हूँ दिमाग नहीं लगाते हर पे लगा के लिस्टिंग पे जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी बुक कर लोगे आप अच्छा कमा के उठोगे आईपीओ से तो सेकेंड अगर आपको कुछ काम करना है डायरेक्ट शेयर्स में तो आप आईपीओ से स्टार्ट करो मतलब आईपीओ में आप वो करो वहाँ पे आपकी रिस्क लिमिटेड लिमिट रिस्क लिमिटेड है आपको पता है कितनी रिस्क है, कितनी रिस्क रिस्क है है पहले पांच मिनट की मतलब आप लिस्टिंग इनके लिए दे हो ना सर आपने एक आईपीओ में लगाया पेटीएम में लगाया चलो मैं तो कह रहा हूँ मैंने मना किया आपने मना मना किया मना करते में सर वो फाइनेंस एक्सपर्ट्स करते हैं में अप्लाई सबका ओपिनियन अलग है मैंने चालीस साल काम किया आईपीओ मार्केट में मेरी फैमिली ने पैतीस साल काम किया हमने लोगों के पैसे बनते हुए देखे और खुद पैसे बनाए आईपीओ मार्केट देखो एक होता है कि मेरी ओपिनियन लोग बोलते हैं लगता ही नहीं है सर अप्लाई करते हैं

जो नया एच का रूल है ना इसमें तो आईपीओ में इतना पैसा बचेगा अगर किसी को समझ आ जाए ना काम करना मजा आ जाएंगे तो इसके ऊपर आपने एक अलग से वीडियो बना के रखी है तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो जरूर देखना और आपको जरूर उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है आईपीओ लिस्टिंग में आपको बताता हूँ मैंने तो इस पर एक डेटा भी एनालिसिस कर रखा है मतलब जो कहते हैं ना कि आईपीओ खराब है मैं तो कहता हूँ भाई मैं डेटा का मानता हूँ अगर आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो आईपीओ को तो वो खराब हो सकता है पर अगर आप लिस्टिंग इनकी स्ट्रेटेजी में अस्सी परसेंट कुछ आईपीओ ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है

बस उसके ऊपर ट्रेल करते जाओ ढाई दिन तक मैक्सिमम और ढाई दिन में तो मुझे निकलना ही है चाहे आईपीओ कितना ही दे ये हिस्ट्री कहती है कि अगर आप लिस्टिंग गेन पे बुक करके निकल जाओगे इस पर मैंने डिटेल पिछले पच्चीस साल के डेटा को एनालाइज करके एक एक आईपीओ का एनालिसिस करके मैंने डाल रखा है तो आपको अगर आप बाय एंड फोगेट करोगे उस आईपीओ को उससे रफली पांच से छह गुना ज्यादा पैसा बनेगा ठीक है ना मतलब मैं तो डेटा को मानता हूं सर कोई दिक्कत नहीं है मैं तो अभी पिछले दो साल में भी आईपीओ में बहुत पैसा कमाया मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर अगर पच्चीस दिन में पैसा डबल वाला सीन है क्या गलत है सर उसमें होता क्या है जहां होता है हमें करना नहीं है अब तुम्हें ऑप्शन से करना है जहां नहीं होगा मुझे पता है क्योंकि तुम्हारा तुम लेते हो सबसे पहले आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो आउट ऑफ द मनी मतलब कि अगर अभी चल रहा है सोलह निफ्टी मैं लूंगा अठ का कॉल कि अगर बढ़ गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा रातों रात अरे भाई पहले तेरे अगेंस्ट में काम होगा 16000 से 17000 जाएगा उसके ऊपर जाएगा तो, तो प्रॉफिट में आएगा तुम सट्टा मारोगे तो नहीं बनेगा आईपीओ मार्केट से पैसा बनता है और सब बनाते हैं जो काम करता है देखो किसी की ओपिनियन हो सकती है जिसको आईपीओ नहीं पसंद होगा वो उनकी ओपिनियन है आई एंड आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन बट आई लव माई मनी मोर बढ़िया बढ़िया और मेरा पैसा बन रहा है तो आम हैप्पी